नमस्ते दर्शकों, सैमको के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय और आज हम अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड के IPO के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपको इस IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। IPO डिटेल्स की बात करें तो यह IPO मंडे 5 तारीख को खुलेगा और वेनसडे 7 तारीख को बंद होगा। कंपनी ने IPO की प्राइस बैंड 147 रुपीज़ से 155 रुपीज़ रखी है। यह IPO 920 करोड़ का है, जिसमें से 600 करोड़ का फ्रेश इशू है और 320 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। लिस्ट होने के बाद कंपनी की मार्केट कैप तकरीबन 3300 करोड़ रुपए होगी प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर। तो अब जानते हैं आखिर इन फंड्स का कंपनी करेगी क्या। कंपनी फ्रेश इशू के 600 करोड़ में से अपनी कुछ बोरोइंग्स को रीपे कर देगी और बचे हुए अमाउंट कंपनी जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेगी। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड इंडिया की 8th लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ चेन अफिलिएटेड होटल रूम्स। कंपनी का होटल्स में पैन इंडिया प्रेजेंस है और ये अपस्केल और अपर मिड स्केल सेगमेंट्स को केटर करती है। कंपनी की लग्जरी बुटीक और अपस्केल में द पार्क और द पार्क कलेक्शन जैसे ब्रांड्स हैं और अपर मिड स्केल में जोन बाय द पार्क और जोन कनेक्ट बाय द पार्क जैसे ब्रांड्स हैं। हाल ही में कंपनी ने अपनी एक नई इकोनॉमी मोटल ब्रांड स्टॉप बाय जोन लॉन्च की है। कंपनी के फूड एंड बेवरेज बिजनेस में एक ब्रांड है फ्लरीज नाम से। कंपनी के इस ब्रांड के 73 आउटलेट्स हैं, जिसे वो कैफेज, रेस्टोरेंट्स और कियोस्क फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। इसके साथ ही कंपनी 81 रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स और बार्स ऑपरेट करते हैं। कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में बात करें तो COVID-19 के बाद कंपनी के रेवेन्यू और एबिटा में अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। कंपनी लास्ट ईयर ही प्रॉफिटेबल टर्न हुई है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में डेट काफ़ी हाई होता है और कंपनी का डेट भी काफ़ी हाई है। IPO प्रोसीड से डेट रीपेमेंट करने के बाद कंपनी का डेट कम होगा। कंपनी का एवरेज ऑक्यूपेंसी अपने ओन होटल रूम्स में 90% से भी ज़्यादा रहा है। अब कंपनी के कुछ रिस्क के बारे में बात करते हैं। कंपनी के नए होटल बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ के एक्सपेंशन में अगर डीले होता है तो इससे कंपनी के बिजनेस पर इम्पैक्ट आ सकता है। कंपनी ने पास्ट में अपने लोन के कुछ टर्म्स को पूरा नहीं किया था। अगर ऐसा ही कुछ ब्रीच फ्यूचर में होता है और बैंक्स इसे वेव नहीं करते हैं तो कंपनी के बिजनेस और फिनेंशियल्स पर इसका गहरा असर दिख सकता है। कंपनी की 49% होटल बुकिंग्स ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट से आती है। अगर यह शेयर बढ़ गया तो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हायर कमीशंस डिमांड कर सकते हैं, जिससे कंपनी की मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आ सकता है। अब करते हैं मुद्दे की बात। क्या आपको इस IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड का पैन इंडिया प्रेजेंस है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। इस सेक्टर में कंपनी ने काफ़ी ब्रांड्स बनाए हैं और इनका फूड एंड बेवरेज बिजनेस का फ्लरी ब्रांड प्रॉफिटेबल रहा है। कंपनी के ओन होटल्स की ऑक्यूपेंसी 90% से भी ज़्यादा रही है। इसके साथ ही इंडिया की टूरिज्म FY24 से FY27 में डबल डिजिट से ग्रो होगी। इसी पीरियड में रूम्स की डिमांड सप्लाई का आउटपेस करेगी। पीयर्स की तुलना में कंपनी की IPO काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है। इन्हीं सब फैक्टर्स को देखते हुए आपको इस IPO को लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सैमको के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।